हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाक्या सादे में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं लौकी की कोफ्ते की सब्जी। ये देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि घर में ये किस प्रकार से बनाई जाती है। तो देखिए, ये हमने एक छोटी लौकी ले ली है दोस्तों। इसमें हम कौन कौन से मसाले डालेंगे ये आपको बता देते हैं। ये हमने एक लहसुन की गांठ ली है जिसको हमने छील लिया है, धो के साफ कर लिया है। देखिए, ये हमने मीडियम साइज की एक प्याज ले ली है जिसको छील कर साफ कर लिया है, धो लिया है। ये हमने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, ये देखिए। एक चम्मच हमने धनिया लिया है सूखा पिसा हुआ। इसमें डालने के लिए हमने मोटा धनिया लिया है साबुत। सब्जी में डालने के लिए और कोफ्ते में डालने के लिए हमने एक चम्मच जीरा लिया है ये साबुत। ये हमने लाल सूखी मिर्ची ले ली है पिसी हुई दो चम्मच, जो हम कोफ्ते में और सब्जी में डालेंगे। तो आपको बताते हैं हम किस प्रकार से बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते की सब्जी। तो आइए दोस्तों, चलिए ये देखिए दोस्तों, हमने लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए बैटर तैयार कर लिया है। और इसमें हमने बेसन और प्याज, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और मोटा धनिया और जीरा सभी मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके हम कोफ्ते बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम तेल के अंदर हमारे लौकी के कोफ्ते डाल लेते हैं और इनको तेल में सिकने देते हैं। ये देखिए हम किस प्रकार से लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे लौकी के कोफ्ते कितने अच्छे सिक रहे हैं। हम इनको इसी तरह से तेल के अंदर सेक लेंगे। इनको हम तेल में सिकने देते हैं, फिर पलटकर आपको दिखाते हैं। इनको हम तेल में इसी तरह सिकने देंगे और आपको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लौकी के कोफ्तों को तेल में बदल दिया है। ये देखिए, और देखिए बदल कर ये कितने अच्छे सिक रहे हैं। इनको हम इसी तरह से उलट पलट करके सेक लेंगे। ये देखिए, हम इनको बदल बदल के सेक रहे हैं और सिकने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे लौकी के कोफ्ते सिक्के तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे, वो आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल हमने इसमें 100 ग्राम डाला है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हम लाल होने तक तेल में भूनेंगे। ये दोस्तों, हम मसाला डाल रहे हैं, लहसुन का
लहसुन अदरक और टमाटर को पीस के हम डाल रहे हैं। इसको हम पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल हमारे तेल के अंदर मसाला कितना अच्छा पक रहा है। इसको हम इसी तरह से पकने देंगे। मसाला पकने पे तेल छोड़ देगा, तब हमारा मसाला पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल लेते हैं 1 चम्मच। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है। मसाले में हम पानी डाल लेते हैं थोड़ा, जिससे कि हमारे मिर्ची, धनिया और हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मसाले के अंदर पक जाए। मसाला पकने पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा पक गया और हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी हमने इसमें 2 गिलास डाला है। जब हमारा ये पानी पक जाएगा तब हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाले में हमारा पानी पक गया है। अब हम इसके अंदर लौकी की कोफ्ते डाल देते हैं। इन कोफ्तों को हम मसाले के पानी में पकने देंगे। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी लौकी की कोफ्ते की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी लौकी की कोफ्ते की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, आज हम इसे रोटी के साथ सर्व करें हैं। तो आप चाहे तो इसे रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या फिर चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल वाक्या सादे में हमने लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाई है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने बनाई है लौकी के कोफ्ते की सब्जी, उसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और अपने घर परिवार में सबको बनाकर खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और ये काफ़ी गुणकारी भी होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल वाक्या सादे को आप इसी तरह से देखते रहें, पसंद करते रहें। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार देते रहें हमारे चैनल को। हमारे चैनल वाक्या सादे को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो जब तक हम नया वीडियो लेके आते हैं दोस्तों, तब तक आप सबको धन्यवाद। बाय बाय। हमारे वाक्या सादे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।